समंदर के नीचे चलेगी ट्रेन, मुंबई से पकड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे इजराइल, सीधे सड़क से आप पहुंच जाएंगे लंदन और पेरिस, दिल्ली से चलेगी जॉर्डन के लिए बस, बाइकर करेंगे टूर। G20 की बैठक में मोदी और बाइडेन ने एक झटके में एक फैसले से कर दिया दुनिया को हैरान। चीन के सबसे बड़े प्लान पर चुटकियों में फेर डाला पानी। पाकिस्तान पछताने लगा कि काश भारत से अच्छे रिश्ते होते तो आज मजा आ जाता। बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों की किस्मत बदल देने वाले भारत ने अचानक एक आइडिया जब दुनिया को बताया तो दुनिया का कोई भी देश मना नहीं कर पाया। 19 देश दो काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने सिर्फ 3 बार टेबल पर मारा हथौड़ा और दुनिया को दे दिया सबसे बड़ा ऑर्डर। बीच मीटिंग में मोदी ने कह दी ऐसी बात कि रूस और अमेरिका भी मिलाने लगे हाथ। कमाल हो गया, धमाल हो गया और कामयाब हो गया G20। भारत ने दुनिया के 85% GDP पर अधिकार रखने वाले देशों के सामने रुपए को कर दिया मजबूत। दुनिया बोली कि मोदी जी अब डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में भी करेंगे कारोबार। मनाइए दिवाली और बांटिए मिठाई। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भारत माता की जय, साथ ही खबर को शेयर कर दीजिएगा। G20 के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बिल्ट परियोजना की एक झटके में हवा निकाल दी है। इसके साथ ही दुनिया में तेजी से उभरते भारत के बाजार को बुलेट की रफ्तार देने की उम्मीद जगा दी। G20 की इस बैठक में जिस नए कॉरिडोर का प्रस्ताव पास हुआ वो भारत से लेकर जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा। चीन ने इससे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी जिसका मकसद मिडिल ईस्ट के बाजार पर दबदबा कायम करना था, लेकिन चीन का एक ख्वाब ही रह गया। इस बीच भारत से यूरोप तक जाने वाले इस नए कॉरिडोर के ऐलान से चीन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। इससे भारत की बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे, इसमें भारत की भूमिका अहम होगी। ये भारत से इजराइल और यूरोप तक जाएगा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के इस दाव से चीन के बाजार में भूचाल आ गया है। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। इससे भारत के विकसित होने और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश का सपना भी साकार हो सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का शानदार आयोजन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई भी दी, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बधाई बहुत बड़ी छोटी कामयाबी लगती है, क्योंकि इससे भी बड़ी कामयाबी पीएम मोदी को तब हासिल हुई जब उन्होंने G20 की घोषणा पत्र पर अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ राजी कर लिया, जो सबसे ज्यादा मुश्किल था क्योंकि पिछली दफा 2022 में बहुत नाटक हुआ। भारत से पहले 2022 में इंडोनेशिया ने 374 करोड़ रुपए खर्च करके G20 समिट की मेजबानी की। समिट के आखिरी दिन जब घोषणा पत्र जारी करने की बात आई तो रूस और अमेरिका में यूक्रेन की स्थिति को लेकर आपस में ठन गई। समिट को फेल होने से बचाने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गे लार्वो से मुलाकात की। जोको विडोडो ने लार्वो को घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही वापस रूस के लिए राजी कर लिया, लेकिन भारत ने इस चुनौतियों को चुटकियों में पार कर लिया। और इसलिए कहते हैं कि जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे उन्हीं का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी के इस फैसले पर और इस उपलब्धि पर आप उन्हें कैसे बधाई देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।